हाय एवरीवन, आज मैं रिव्यू करूंगी पैराडाइज का नो ब्लीच हेयर कलर इन चेरी कोक। फर्स्टली हम देखेंगे इसके साथ साथ क्या क्या आया है। तो जैसे ही मैंने पैकेजिंग खोली है तो उसके साथ आया है एक अप्लाइंग ब्रश, ये पैराडाइज का कंडीशनर है, और इस बॉक्स के अंदर ये डेवलपर, ये कलर क्रीम, और ये कंडीशनर है, ये क्लासिक कंडीशनर है, ये जस्ट आफ्टर कलरिंग के बाद हमें ये यूज़ करना है। एंड मोर थिंग वाज देयर, या दिस एंटी फेड वाइन कंडीशनर, ये कलरिंग करने के 2 हफ्ते बाद हमको यूज़ करना है। सो मेरे जो हेयर्स हैं, मैं बता देती हूँ, आई हैव लॉट्स ऑफ वाइट हेयर्स ऑल्सो, बट ये कलर करे हुए हैं, मतलब इसमें से जितने बाल वाइट थे उसमें मैं ब्लैक कलर कर चुकी हूँ। थोड़े नेचुरल हेयर्स हैं, थोड़े कलर्ड हेयर्स हैं, बट मैं आज इस पर इतने ही लेंथ पे ये कलर लगाऊंगी और हम देखेंगे कि ये नो ब्लीच हेयर का कलर जो है वर्क करता भी है या नहीं करता है। ठीक है, सो फर्स्टली आई विल रीड द इंस्ट्रक्शंस कैसे कैसे करना है, क्योंकि मैनुअल आया है इसके साथ। पुट ऑन द ग्लव्स इंक्लूड इन द पैक, अप्लाई लोशन ऑन फॉरहेड नेक टू अवॉइड स्टेनिंग, सेक्शन द हेयर इन टू 4 and more parts फॉर ईजी एप्लीकेशन। फर्स्ट स्टेप इज दिस, सेकेंड इज empty the colorant and developer in a bowl, mix them using brush to create an even mixture, avoid using a metallic bowl, applying the mixture immediately after emptying the tube and mixing properly. Third is start applying the mixture evenly using the brush, starting at the tips and moving forward to the roots, leaving it for 30 to 45 minutes depending on the desired strength of color. Start with hair tips, do the root last. Okay, root processes faster, color check color एवरी 10 मिनट, ये भी करना है। तो इसके बाद हमें धो लेना है। इसमें सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि ये लोग जो क्लेम करते हैं कि इसमें ब्लीचिंग की जरूरत नहीं है, सो आई नीड टू चेक इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट ब्लीच है क्या, बिकॉज आई कांट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि ये कैसे आपके ब्लैक कलर के बालों पर जो है लाइट कलर या हाईलाइट जो है वो कर देगा। सो विन मेक ऑज इरिटेशन रेओर ब्लैक हीना टैटू में इंक्रीज द रिस्क ऑफ एलर्जीज, ब्लैक हीना टैटू, ओके, हेल्थ द स्किन हाइपर सेंसिटिव टेस्ट 48, इसमें लिखा 48 आवर्स से पहले आपको हाइपर सेंसिटिव का टेस्ट, सेंसिटिविटी का टेस्ट करना है। अब मैं जैसे कि मैं लेंथ पे लगाऊंगी, मैं स्किन पे कहीं टच नहीं करने वाली हूँ ये कलर, सो मैंने ये टेस्ट नहीं किया है, और ऑलरेडी मैं बहुत सारे कलर कर चुकी हूँ अपने बालों पे, तो मैं ये टेस्ट नहीं करी हूँ। बट अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ जो है आप लोग पहले पैच टेस्ट करिए कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं है कलर से। नो ब्लीच रिफर्स टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड एज अ कलर डेवलपर, नॉट अ प्राइमरी लाइटनिंग एजेंट इन द हेयर कलर मिक्सचर। ओके, सो लाइटनिंग एजेंट तो नहीं है इसमें ब्लीच एज अ ब्लीच, चलो बाद में रिसर्च करेंगे इस पर। लेट्स गो फॉरवर्ड दिस कलरिंग प्रोसेस। इसके साथ ये 2 ग्लव्स भी आए हैं, हम सबसे पहले इन ग्लव्स पहन लेंगे। आई एम गेटिंग कंफ्यूज ऑन द लेंथ पार्ट ऑफ द ग्लव, अलग अलग आई गेस, सो भर भर के लगाना है, अच्छे से लगाना है, मेरे लेंथ पे पूरा कलर आ जाएगा, इसलिए मैं काफ़ी जेनरसली इसे अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे से एक कलर का एक जो है ड्रॉबैक मुझे समझ में आ रहा है, इज दैट कि ये लग नहीं रहा है, इसे लग नहीं रहा है, दैट मीन्स ये सारा मुझे समझ रहा है कि मेरे ग्लव्स पे लग रहा है, बालों पे नहीं लग रहा है। Okay, I did pretty well, I think so. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है यार, दिस इज टोटली एक्सपेरिमेंटल थिंग। इस प्रकार से कुछ मुझे उसे 30 मिनट्स 30 to 40 मिनट के लिए छोड़ना है, तो निकल गया है, मैंने कोई कॉल भी ड्रा कर लिया।
मेरे कलर लगाने के स्टाइल से एक बार मुझे पता चल गई कि मुझे सैलून में कोई नहीं, कोई भी नहीं। बस सच बताऊंगा तो थोड़ा आलस भी आता है जब आप खुद का ही कलर कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि लग जाएगा जल्दी जल्दी। मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं ब्लेंडर कहाँ करने वाली हूँ, इज ऑन माई मेजरमेंट ऑफ माई लेंथ। आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा गलत आँख लिया है अपने बालों को, जब बाल ऐसे फोल्ड हो जाते हैं ना तो पता नहीं चलता कि लेंथ कितनी लेनी चाहिए थी, कितनी लेनी गई है। इसका सोल्यूशन ये है कि लास्ट में मैं एक बार खोल के देख लूँगी दूंगा। I'm excited for this color. तो ये है मेरे बाल आफ्टर हेयर वॉश, मुझे कोई कलर नज़र नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा दुख हो रहा है ना। कौन सा हेयर कलर होने वाला था इन बालों पर, आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ ये ज़रूर है कि जब इन बालों को ऐसा देखो, ऐसा करके देखोगे ना उजाले की साइड, तो इनमें हल्का सा टिंट जो है वो नज़र आ रहा है। मे बी जब मैं पूरे ड्राई हो जाएंगे तो मैं आपको बाहर की लाइट में दिखाऊंगी द कलर इज़ विजिबल और नॉट, बट बहुत कम, लाइक बहुत ज़्यादा कम। इतना कलर तो मुझे स्ट्रिक के हेयर कलर, जो ब्लीच वाला हेयर कलर है उसको अपने नेचुरल हेयर्स पे लगा के लाइक विदाउट ब्लीचिंग तब दिख रहा था ऐसा हल्का हल्का लाइट में जाके पर्पल कलर। तो अगर आपको एकदम हाइलाइट्स टाइप कलर चाहिए तो आई डोंट नो, इट्स नॉट वर्थ इट, और मे बी मेरे बालों पे नहीं आया है। बट माय कंक्लूजन इज़ कि नो बीच ब्लीच हेयर कलर वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपको प्रॉपर रेड कलर चाहिए आपको ब्लीच कराना ही पड़ेगा। आई विल शो यू कि ये सूखने के बाद नेचुरल लाइटिंग में कैसा लगेगा। तो हेयर कलर करने के बाद, बाल ड्राई करने के बाद ये रिज़ल्ट है कि अगर आप ऐसे देखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है, एकदम हल्का सा एकदम बहुत लाइट टिंट अगर दिख रहा होगा तो ठीक है। लेकिन जब मैं इसको ऐसे करती हूँ, जब लाइट रिफ्लेक्स होती है मेरे बालों से, तो लग रहा है कि कलर आया है, कलर जो है विजिबल है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन माय हेयर्स तो कलर जो है वो विजिबल है। ऐसे देखने पर तो काफ़ी अच्छा कलर लग रहा है, लाइक बहुत जो सटल रेड जो होता है वो दिख रहा है। और मैं भी इसको इधर साइड से भी दिखाती हूँ, मे बी जिस तरीके से मे बी इसको मुझे 60 मिनट्स के लिए रखना चाहिए था, आई डोंट नो, मैंने इसे 40 मिनट्स के लिए रखा तो ये रिजल्ट्स हैं। गाइज एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो कलर है ये हेयर वॉश करते टाइम बहुत ज़्यादा निकलता है नो मैटर वॉट। और मेरे साथ एक इंसिडेंट ये हुआ है कि ये टॉप मैं ऑफिस पहन के गई थी, लौटते वक्त बारिश हो गई और इन बालों में से कलर छूटा और मेरा ये टॉप पूरा पिंक हो चुका है इस कलर की वजह से। सो फ्रॉम माई साइड इट्स अ बिग नो फॉर दिस कलर।